पहाड़ की सीना को चीर थी, और एक वो भी पत्थर था जो जैसे ही पत्थर पर छेंदी का चोट पड़ा, जैसे ही पहला चोट पड़ा कहते उफ आ इश क्या हो रहा है, नहीं नहीं मुझे बहुत पेन कर रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे प्लीज मत मारो, मुझे मत छेदो, मुझे मत काटो। बोला ठीक है नहीं काटू, नहीं साइड कर दिया। दूसरा पत्थर था, दर्द तो उसको भी उतना ही होगा ना, तो उसने उस पत्थर को भी छेदना चालू किया, शार्पिंग करना चालू किया, मूर्ति का आकार देने की कोशिश किया, उसको भी दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ सोच के कुछ नहीं आवाज निकाला, बर्दाश्त करता गया, बर्दाश्त करता गया। जब महिलाओं को, लेडीज को जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो क्या उनको पेन नहीं होता है, लेबर पेन नहीं होता है, क्या वो लेबर पेन के बिना बच्चा हो सकता है? नहीं, वो पेन भी एक एहसास है, एक फीलिंग है मातृत्व जीवन का। तो इस तरीके से वो जब दूसरा बनाने लगा शिल्पीकार, अच्छा सा मूर्ति तैयार हो गया, फिर पहला तो जवाब दे दिया था ना, तो फिर वो गया जंगल में और एक और पत्थर उठा के लाया, फिर उसको अच्छे से मूर्ति बनाया, दो मूर्ति रेडी हो गई, और जो पहला मूर्ति बनाने वाला था पत्थर, जिस पत्थर से, उसको साइड में हटा दिया क्योंकि उसको दर्द हो रहा था, दर्द बर्दाश्त नहीं था। गौर से सुनिएगा, जो ऑर्डर दिए थे वो आ गए, पैसा दिए, मूर्ति लिए, चल दिए, क्योंकि वहां पर मंदिर में उसका स्थापना करना था मूर्ति का। जैसे ही वो जाने लगे तो उनको याद आया कि एक पत्थर मुझे और चाहिए, एक पत्थर मुझे और चाहिए, क्योंकि पूजा करने तो लोग आएंगे लेकिन नारियल भी तो फोड़ने के लिए एक पत्थर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि एक पत्थर और चाहिए, वो पत्थर बोला कि ठीक है ये फालतू पत्थर है, उसको ले लीजिए। चले गए, मंदिर की भव्य शुभारंभ हुआ, सभी लोग लाइन लगी भक्तों की, पूरा फूल माला अर्चन, पूरा मंदिर में मूर्ति के ऊपर सजाया गया, और जितने लोग आते थे वो नारियल ऐसे लेते थे और पूजा करके जब बाहर निकलते थे ऐसे लेकर के दे दना दे दना दे दना, अब वो आ चिल्लाने लगे, बोलते हैं कि शाम तक ये भी बर्दाश्त किए। रात जब हुई सभी लोग चले गए तो मंदिर से मूर्ति और बाहर से ये दोनों तो दोस्त ही थे है ना, तो शाम को बात करते हैं, यार तेरे ऊपर फूल और अक्षत जल की बारिश हो रही थी और मेरे ऊपर आकर के सर मेरा सब फोड़ रहा था नारियल का, ऐसा क्यों, हम लोग तो एक ही साथ थे। बोले नहीं समझे, जब पहला छेंदी चला था तो दर्द आपको भी हुआ था, दर्द मुझे भी हुआ था, लेकिन दर्द मैंने बर्दाश्त किया तो अब जिंदगी भर हमें फूल अक्षत और मालाओं से स्वागत की जाएगी, लेकिन आपने पहला दर्द नहीं सहा इसीलिए अब जिंदगी भर आपके सर के ऊपर नारियल से फोड़ा जाएगा। तो एक बार दर्द को बर्दाश्त कीजिए प्लीज, जिंदगी में बड़ा बनने के लिए एक बार अहम स्टेज आता है, एक बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है, एक बार जिंदगी में तूफान आती है, उस तूफान से सामना कीजिए, क्योंकि जब भी शेर दहाड़ता है ना, जब भी शेर दहाड़ता है तो दो कदम पीछे आता है, झुकने से पीछे मत हटिए, सॉरी कहने की जरूरी है तो चार बार सॉरी कहिए, एक बार नहीं, क्या सॉरी से छेद हो जाएगी आपके बॉडी के अंदर में? सॉरी एक ऐसा पवित्र शब्द है, पवित्र शब्द, सैक्रेट वर्ड, ठीक है ना, जो आपके जिंदगी को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है, और ईगो एक ऐसा शब्द है जो ऊंचाइयों से उठा के आपको धरातल पे पटक देगा। ईगो भी तीन तरह की होती है, क्या होता है, ईगो एंड सुपर ईगो, राइट। ईद जो होता है, ईद जो होती है वो बच्चों के बीच में, छोटा बच्चा मैं टॉफी लूंगा तो लूंगा मम्मा, उनको दिला दिया मेरे को भी दिला दो, है ना, ये ईद हुआ। ईगो जो हम लोगों के बीच में होती है, हम लोग के बीच में होता है कि चलो आप ऐसे करो, ऐसे कैसे कर सकते हो बिना मेरे से पूछे हुए, ये क्यों कर दिया, आप कर दिया तो मैं भी नहीं करूंगा, है ना, मैं भी यही करूंगा जो मेरे को पसंद है, दैट इज कॉल्ड ईगो। सुपर ईगो जो होती है वो टॉप मैनेजमेंट, टॉप ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ होते हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सुपर ईगो, राइट। तो अपने ईगो को मत लाइए सामने में, अगर जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो आप ईगो को सामने नहीं लाइए,
और उसी तरीके से दहाड़िए, थोड़ा सा पीछे हटना पड़े हट जाइए। जब तीर की कमान आप खींचते हो ना, तो आप देखो क्या करते हो, पीछे पहले खींची जाती है और क्या होती है, आप किसी के ऊपर फिंगर रेज करते हो ना, ये चार उंगलियां आपके तरफ होती है, एक ही उंगली आपके तरफ है। यस, ये हमेशा याद रखिए कि निगेटिव सेंस में अगर आप बात कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर खतरा बनने वाली है। सो बी केयरफुल, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। उम्मीद है कि डिटर्मिनेशन, ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी में बहुत आगे ले जा सकता है। हर कोई हर वर्ड का हर तरह से मीनिंग निकाल, एक ओम का 108 मीनिंग होता है, एक 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 राइट शब्द इंग्लिश में जो है उस राइट का अनेकों वर्ड मीनिंग होता है। तो ये डिपेंड अपॉन यू दैट हाउ यू आर परसीविंग द वर्ड्स, हाउ यू आर परसीविंग द अपलाइंस एंड नॉनलाइंस परसेप्शंस थॉट्स, राइट। तो ये आप कैसे उनको लेकर के सॉर्ट आउट करते हो। मेरा एक ही काम है, मैं बता दूं कि एज ए रमन झा कोऑर्डिनेटर मेरा काम है, मेरा ड्रीम्स है कि हम अपने घर के अंदर में, हमारे फैमिली के अंदर में जो कुछ भी थोड़ी मोड़ी ऊंची नीची चीजें हैं, जहां एक अवरोधक के तौर पे बना हुआ है, हम उस चीज को चाहते हैं कि खत्म। इसलिए ना हमें कंपनी की तरफ से दबाव है, मैं फिर कह रहा हूं कि ना मुझे कंपनी की तरफ से दबाव है और ना ही हमें कहीं से प्रेशर है, लेकिन ये काम करने का तरीका है। और मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी के साथ साथ हमारी फैमिली जो डीएक्सएन फैमिली है, वो भारत में नहीं पूरी दुनिया में डीएक्सएन नंबर वन पोजिशन पे हम इसके काम कर रहे हैं। और आपको नजदीक भी आएंगे तो रोड मैप बताएंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में भी हम लोग बहुत कुछ करने जा रहे हैं। और हम भी कुछ अभी आपको हिंट करने जा रहे हैं कि एक कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है, राइट। तो थोड़ा सा दिखावे पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप कैसे आ रहे हो, किस तरह से आ रहे हो, किस प्रोग्राम में आ रहे हो, हाँ, क्या बोलना है, क्या कंटेंट होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको देख के ही सामने वाले मार्केट डिसाइड करती है कि इनके अंदर में क्या है। बात समझ रहे हैं, कैप्सूल के अंदर में क्या है ये तो हमें भी नहीं पता है ना। एक लाल मिट्टी जो होता है वो भी बिक जाता है इंडिया के अंदर में। यस अनो, यस अनो, यस यस। तो इस तरीके से लाल मिट्टी भी बिक जाता है, लेकिन अभी हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ये मार्केट अच्छा चल रहा है, हमें ये अच्छा नहीं चाहिए। हेलो एवरीवन, क्या हो गया मनी जी, ये पहले करना था ना। ओके लिसन, हमें ये मार्केट अच्छा चल रहा है ना, आप लोगों का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है ना, ठीक है। तो हमें अच्छा नहीं चाहिए, क्या चाहिए, अच्छा नहीं चाहिए, हमें बहुत अच्छा चाहिए। यस अनो, आज हर आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, महंगाइयां बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो हमारी इनकम स्टेगनेंट रहेगी तो काम चलेगी, तो इससे तो नहीं चलेगी। तो उसके साथ साथ हमें भी तो कुछ आगे बढ़ना चाहिए कंपनी के बिहाफ पे। एक कदम आप बढ़ाओ, एक कदम हम लोग बढ़ाते, है ना। तो कदम से कदम मिला के चलेंगे तो सफलता मिलेगी। यस अनो, यस अनो, यस अनो, यस। तो ये क्या करने जा रहे हैं, मैं उसका थोड़ा सा हिंट देता हूं कि आज आपके बीच में बहुत सारी न्यू चीजें होने जा रही है जो शुरुआत हो चुकी है, और हम सभी डीएमआई मैनेजमेंट टीम की अथक प्रयास के बाद हम लोग एक एक चीज पे काम कर रहे हैं, चाहे आपका वो स्टॉक पॉइंट्स का प्रॉब्लम हो, स्टॉक पॉइंट से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, हम लोग उस पर भी फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। चाहे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की बात हो, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। रीजनल ट्रेनिंग कैंप की बात हो, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। आपका प्रेजेंटेशन फाइल की बात हो, सॉरी ये पेपर की बात हो, फ्लायर्स की बात हो, ठीक है, ये सारी मटेरियल्स की बात हो, आपको टूल्स की बात हो, हम टूल्स की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको डिफरेंट लैंग्वेज में टूल्स भी अवेलेबल रहेगा, अगर मराठा में है आप तो मराठा में भी हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो ये टाइम लगेगा बट डेफिनेटली होगा, जिससे कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में छोटे छोटे जगह पे जा करके, जो हिंदी नहीं समझते, जो इंग्लिश नहीं समझते लेकिन वो मराठी समझते हैं, तो उनको मराठी में आप समझा सकते हो। यस अनो, तो इस
तरीके की काम अगर हो तो आप लोगों को फायदा मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। तो इतना ही नहीं, हम लोग न्यू स्ट्रेटजी, न्यू प्लान ला रहे हैं। अभी कंसिस्टेंसी आप लोगों के बीच में डीएमआई मैनेजमेंट लेकर के आई थी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को अच्छा लगा और लोगों को अच्छा नहीं लगा? शालों के साथ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लग रहा है कि जैसे हम पंप कर रहे हैं तब जाकर के है ना। कंसिस्टेंसी कैसा लगा? बढ़िया। ठीक है, तो उस तरीके से अभी बहुत चीजें करने जा रहे हैं। एक और चीज जो मैं अभी यहाँ पे कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा ओपिनियन आप लोगों का चाहिए। ठीक है, चलो